जी श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं कमल के पुष्प के बारे में, जो कि आपकी हथेली पर रेखाओं के रूप में उभर के आती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में कमल का पुष्प उभरे, उस व्यक्ति का जीवन कांतिवान होता है, श्रीयुक्त होता है, ऐश्वर्यवान होता है। उसके जीवन में धन संपदा का कभी भी किसी प्रकार से अभाव नहीं होता। वो अपने जीवन के अलग अलग कालखंड में अलग अलग गुणों से युक्त होता चला जाता है और जीवन के सर्वस्व सुख का भोग करता है। उसके जीवन में चल अचल संपत्ति की भरमार होती है। पैतृक संपत्ति के रूप में अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। जातक के पास स्वर्ण का भंडार होता है। जातक विभिन्न प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं का, हीरे मोतियों का संग्रह करने का आदि होता है और उनका संग्रह कर पाने में सक्षम होता चला जाता है। संपत्ति के रूप में भूखंड से लेके और जिस भी प्रकार के ऐश्वर्यवान संपत्ति होती है, उन सब की स्थिति जातक के पक्ष में बनती चली जाती है। वो स्थिति कैसे बनी है और उसके बारे में आप कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले जब आप भाग्य रेखा के इस निचले तल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से दो रेखा निकली है। एक रेखा चंद्र के इस क्षेत्र से निकली है, दूसरी रेखा शुक्र के इस गहन तले से निकलती चली गई है। ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है, बीच में काफी शुभ रेखाओं का समायोजन इनके साथ होता चला गया है। जैसे कि मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे दोनों तरफ से त्रिभुज के रूप में जुड़ती ये रेखा एक वर्ग का चिन्ह बना रही है, जो कि इस जो भाग्य रेखा है इसे पुष्ट करने का कार्य कर रही है, इसके बल वृद्धि करने का कार्य कर रही है, इसकी ताकत बढ़ाने का कार्य कर रही है, इसके शुभ योगों को बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो केतु से सहयोग प्राप्त एक मत्स्य का चिन्ह भी जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों के सहयोग से इस मध्य के क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि पूर्णतः त्रुटिहीन है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि कहीं से भी खंडित रेखा नहीं है। तो जब बहुत सारे शुभ रेखाओं का समायोजन इस रेखा के साथ होता चला जाता है या किसी भी रेखा के साथ, तो उसके बल में वृद्धि होती है, शुभ गुणों में वृद्धि होती है और जिस क्षेत्र से भी जाएगा हर एक क्षेत्र को बेहतर योगों में बदलता चला जाएगा, शुभ योगों में बदलता चला जाएगा और जातक अपने जीवन में तमाम प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त करता चला जाएगा। जब ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है तो इस मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बुध की रेखाओं का जो समायोजन है बिल्कुल सही तरीके से है और मस्तिष्क रेखा को यहां पर रोकने का काम कर रहा है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, ये जातक के लिए कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता को देने का कार्य करती है। जब इससे ऊपर किनारे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सूर्य की जो रेखा है काफी महीन गति से ही सही लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ी है। आगे जाके दो मुख्य अवस्थाओं में कहाँ पे, तो बिल्कुल आपके सूर्य के पर्वत क्षेत्र के नीचे, यहाँ पे जब आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा है इसके मध्य से दो भागों में विभक्त होकर ऊपर की तरफ गई है। दो भागों में विभक्त होना यानी कि कमजोरी होना, लेकिन मुख्य रेखा का जुड़ाव भाग्य रेखा से होने का मतलब, उसमें भी इतनी प्रबल भाग्य रेखा से होने का मतलब कि सूर्य का सहयोग जातक के ऊपर बना रहेगा। सूर्य का आशीर्वाद बना रहने का क्या मतलब है? जीवन में तेज, जीवन में समृद्धि, जीवन में सफलता हमेशा बनी रहेगी। अविचल सफलता की प्राप्ति, अविचल श्री की प्राप्ति, अविचल कांति की प्राप्ति जातक के जीवन में होगी। जातक विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण जातक के भाग्य में, जातक के जीवन में होगा और विभिन्न प्रकार की अविचल संपत्ति को प्राप्ति करेगा। अविचल विद्या, ज्ञान और पद की स्थिति को समृद्ध करने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे जातक प्रशासनिक दक्षता वाले होते हैं और प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत ख्याति अर्जित करने वाले होते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं। इनके अंदर कई सारी कलाएं भरी होती हैं। अब बात हम करेंगे ऊपर जाती हुई रेखाओं की, क्योंकि हम यहाँ पे इससे संबंधित चीज़ों को आपको बताने लगे थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पुष्प की, कमल के पुष्प की। तो देखो ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी, आगे हृदय रेखा में समाहित हुई। हृदय रेखा की कैसी स्थिति है? त्रिमुखी अवस्था। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इसने क्या किया है कि एक त्रिशूल का निर्माण किया है और ये त्रिशूल का निर्माण करते करते साथ में पुष्प का भी निर्माण यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कर चुकी है। यही इसकी खूबसूरती है कि भाग्य रेखा इतने शुभ से युक्त होकर आई, मध्य के क्षेत्र को इसने यहां पर स्पर्श किया और ऊपर जो एक स्पष्ट तौर पे जातक के लिए तिलक की स्थिति बनी हुई है, ये तिलक की स्थिति नीचे तक आई है स्पष्ट एक ही रेखा के रूप में और नीचे से इस रेखा के लग जाने के कारण पुष्प के रूप में यहां पर उपस्थित हो गई है। प्राचीन कमल के पुष्प का ऐसा ही चिन्ह व्यक्ति की हथेली में देखने को मिलता है, जो कि इस हथेली में दुर्लभतम है, दुर्लभ है, देखने को प्राप्त हुआ है ये स्पष्ट कमल का चिन्ह। और वो भी कहां? शनि के क्षेत्र में। सत्य निष्ठा के साथ जातक अपने जीवन को समृद्धि की तरह आगे की तरफ बढ़ाए, समस्त जो ज्ञान है उन ज्ञान की उपासना करें, पद्धतियों की उपासना करें और जीवन में आगे की तरफ बढ़े, समस्त सुख उसकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, महालक्ष्मी
राजयोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। जीवन में असंख्य और अविचल भोगों की प्राप्ति जातक को निश्चित होगी। परिवार से संबंधित योगों को यहां पर कई दफे चीजों भटका रही है। पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को कई दफे मुश्किलों में डालने का प्रयास करेगी, लेकिन जो ये डेस्टिनी है ये बदलने वाली नहीं है। कई दफे उस धन को, उस लक्ष्मी को और उस अविचल लक्ष्मी को जातक छोड़ के बाहर की तरफ प्रस्थान करेगा, सोने के छोड़ के कोयले के पीछे दौड़ेगा। ये सब कालखंड के अनुरूप होता है, जो कि शुरुआत में हमने बताई। अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से प्रेरित करके अलग अलग प्रकार के पुरस्कार और सम्मान देने की स्थिति ये पैदा करेगा। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब गोचर के अधीन, प्रारब्ध के अधीन जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये वही समय है जितना समय आपको सांस लेने और छोड़ने में लगता है, बस उसके मध्य का समय। अब ऊपर के क्षेत्रों में देखेंगे तो आप गुरु के इस मध्य के क्षेत्र में देखेंगे स्पष्ट तौर पे यहां पर वर्ग की स्थिति बनी हुई है। आप इन रेखाओं का जो दूसरा प्रभाव है उस तरीके से भी इनके बारे में विवेचना कर सकते हैं, इसके विषय में जान सकते हैं, लेकिन ये वो गुड विवेचना है जो गुड विवेचना सामान्य तौर पे अगर कहें तो किसी भी जातक के लिए नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा मति भ्रम की स्थिति और अन्य भी कुछ परिस्थितियां उनके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। एक आम तौर पे इन चीजों का वर्णन किया गया है ताकि आम लोग इसके बारे में समझ सके। आमूलचूल परिवर्तन के कारण कई सारी चीजें बदल भी सकती हैं। अब इस क्षेत्र में आप देख लें, बुध यहां पर स्पष्ट तौर पे आके बना हुआ है और सूर्य के साथ संधि करता हुआ एक कोण की स्थिति बना रहा है। ये किस तरीके का काम करेगा? एक और अत्यंत शुभ रेखा है जो कि सफलता, तेज, बुद्धि इन सब का मिश्रण कर रहा है, समायोजन कर रहा है और जीवन को एक अलग ही प्रकृति देने को उतारू है। आप इस क्षेत्र में देखेंगे काइट सिंबल की स्थिति तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि इस हथेली में आखिर है क्या, ऐसा क्या क्या है इस हथेली में और इसका क्या प्रभाव है। बहुत सारी शुभ रेखाएं मिलके क्या कुछ अशुभ करेंगी या बहुत ज्यादा शुभ कर देंगी? अब इन सारी रेखाओं में कौन सुस्त अवस्था में है, कौन सुप्त अवस्था में है, कौन जागृत है, इस पे विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। किसकी टाइम पूरी हो चुकी है, कौन अभी एक्टिव होने वाला है, कौन बस खत्म ही होने वाला है, इस पे विचार करना आवश्यक हो जाता है, तब आपको पता चलेगा। विष्णु चिन्ह, शनि का चिन्ह, कमल का फूल, हाथी का चिन्ह, विभिन्न प्रकार के चिन्ह बहुत सारी हथेली में दिख जाएंगे, लेकिन क्या होना सबके लिए उतना ही फायदेमंद है? नहीं। उसमें बल कितना है, वो काम कितना कर रहा है, वो एक्टिव है या नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पे देखना। दुनिया में किसी से पूछ लो, दूसरे का धन और अपनी बुद्धि किसी भी कम नहीं लगती। किसी को भी, जिससे भी पूछो, उसे यही लगेगा कि आपके पास पैसा बहुत है और मनी मन सोचेगा मेरी इतनी बुद्धि सामने वाले के पास नहीं है। लेकिन रियलिटी में सबके पास बुद्धि नहीं होती ना, लेकिन खोपड़ी लेके तो सब घूमते होते हैं। उसी प्रकार से चिन्ह लेके घूमने से नहीं होता, उसमें पावर भी होनी चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।